आप जैसा कि देख सकते हैं कि वही सरोवर है जिस सरोवर में पानी पीने के लिए जब वो सारे पांडवों के भाई यहाँ पर आए हैं, तो उस सारस यानी कि यक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पाए, उस कारण से यहाँ पर उन मोह मूर्छित होकर गिर जाते हैं। द्रौपदी को प्यास लगती है और बोलती है कि आर्य मुझे प्यास लगी है और मुझे जल पीना है। इन उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष प्रसन्न होकर बोले, हे धर्मराज, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पर तुम अपने चार भाइयों में से किसी एक को जीवित करने की इच्छा प्रकट करो, मैं उसे जीवित कर दूंगा। तो इस पर युधिष्ठिर ने अपने सौतेले भाई सहदेव को जीवित करने के लिए कहा। इसी प्रकार से नकुल आते हैं, वो भी ऐसे ही। अर्जुन आए, वो भी इस तरह से धराशायी हो गए। भीम आए, वो भी गिर गए। अंत में युधिष्ठिर आते हैं। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण चैनल के साथ आप इस समय महाभारत और भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र के विभिन्न स्थानों के विभिन्न लीलाओं का दर्शन आप कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपको लेकर आया हूँ कुरुक्षेत्र से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक यहाँ पर शालिहोत्र तीर्थ के नाम से यहाँ पर सारसा गाँव है। और जो सारसा गाँव है वो एक सारस पक्षी के नाम पर यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। मेरे चारों तरफ आप देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पर वातावरण है और इसको तीर्थ जो है वो शालिहोत्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। और आपने महाभारत की लीलाओं में देखा होगा कि कैसे युधिष्ठिर और यक्ष का यहाँ पर संवाद होता है कि एक सारस पक्षी के कारण यहाँ पर एक सारस पक्षी के कारण कैसे भगवान कृष्ण के जो मित्र हैं अर्जुन और उनके जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, उनके चारों भाई यहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। अपने चारों भाइयों को मूर्छित से बाहर लाने के लिए युधिष्ठिर जब यहाँ पर इस कुंड का एक कुंड है जहाँ पर जल पीने जाते हैं, तो वो लीला आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं यक्ष और युधिष्ठिर संवाद की। आज उसी स्थान पर हम आपको लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं कि वनवास के अंतिम दिनों में आप यहाँ पढ़ सकते हैं शालिहोत्र तीर्थ का यहाँ पूरा सार लिखा हुआ है, कैसे वनवास के अंतिम दिनों में यहाँ स्थित सरोवर का जल पीकर चारों पांडव भीम अर्जुन नकुल और सहदेव मूर्छित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने सरोवर का जल पीने से पहले यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यक्ष जो सारस है वो इस जल में रहता था, जो कि ये सरोवर है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इस सरोवर में जब वो सारस रहता था तो उसने कहा कि पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, तब मैं आपको जल पीने दूंगा। तो वनवास के समय द्रौपदी को जो प्यास लगी है तो कैसे वो जल लेने के लिए सबसे पहले सहदेव आते हैं, नकुल आते हैं, भीम आते हैं, ये सब लोग मूर्छित हो जाते हैं। और जब फाइनली यहाँ पर युधिष्ठिर जी पहुँचते हैं तो युधिष्ठिर जी को आवाज़ आती है कि उसी यक्ष की, उसी सारस की, कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना जल पीने से तुम्हारी गति तुम्हारे भाइयों जैसी होगी, इसलिए इस सरोवर का ग्रहण करने से पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, यहाँ पर ये सारस ने कहा है। और आप देख सकते हैं कि युधिष्ठिर ने जो प्रश्न किए थे, युधिष्ठिर के प्रश्नों के उत्तर जो दिए हैं वो इस प्रकार से महाभारत में 97वें पर्व के 313वें अध्याय में इस प्रकार वर्णित हैं। मैं आपको बताऊं, ये संवाद कहीं ना कहीं हम सब जब महाभारत की लीला देखते हैं कि कैसे एक सरोवर के किनारे चारों भाई जब मूर्छित हो जाते हैं तो युधिष्ठिर के समझ में नहीं आता है कि आखिर ये हुआ क्या है, मेरे भाई ऐसे मूर्छित क्यों पड़े हुए हैं। और जल लेने के लिए वो आए थे तो उसमें जो यक्ष जो सारस नाम का पक्षी था उसके कुछ प्रश्नों के जवाब थे। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने उन सवालों का जवाब दिया है तब जाके कहीं ना कहीं वो उनके जो भाई हैं वो मूर्छित होने से बाहर आए हैं। सबसे पहला जो सवाल आप देखेंगे यहाँ पर, जब युधिष्ठिर जी ने कहा कि यक्ष से कि मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, तो पहला सवाल आप भी देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर पूछ रहे हैं। वो सारस पक्षी पूछता है कि किस शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान बनता है, तो इस तरह का युधिष्ठिर कहते हैं कि शास्त्र पढ़ने से नहीं, अंतकरण में उसको प्रकाशित करने से यहाँ पर आदमी बुद्धिमान बनता है। इस बात से बहुत खुश होते हैं। ऐसे अनेकों अनेक सवाल होते हैं कि क्षत्रिय कौन है, तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अपना सारा जीवन दे दे उसको सबसे बड़ा क्षत्रिय कहते हैं। तीसरा सवाल आता है कि पृथ्वी से भारा क्या होता है, तो पृथ्वी से भारी आप देख सकते हैं इसमें माता का गौरव बताया है, माता का जो गौरव है पृथ्वी से भारी है। चौथा सवाल जो सारस पक्षी करता है वो ये है कि आकाश से ऊँचा क्या है, तो आकाश से ऊँचा उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर पिता को यहाँ पर बताया है युधिष्ठिर जी ने। तो जैसे जैसे प्रश्न बढ़े हैं कि वायु से तेज चलने वाली गति से ऐसी कौन सी चीज़ है, तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं मन।
और अगला सवाल जैसे पूछा है कि उन्होंने कि सबसे अच्छा मित्र क्या होता है, तो युधिष्ठिर ने कहा है विद्या। फिर अगला सवाल है कि मृतक के साथ क्या जाता है, तो युधिष्ठिर जी कहते हैं धर्म। फिर वो पूछते हैं कि किसके वस्तु के नष्ट होने से मनुष्य प्रसिद्ध होता है, वो है क्रोध। और इस तरह के सवालों के जवाब जब यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने उस सारस पक्षी को दिए हैं, तो इन पत्रों से इन उत्तरों से संतुष्ट होकर यज्ञ प्रसन्न होकर बोले, हे धर्मराज, मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पर तुम अपने चार भाइयों में से किसी एक को जीवित करने की इच्छा प्रकट करो, मैं उसे जीवित कर दूंगा। तो इस पर युधिष्ठिर ने अपने सौतेले भाई सहदेव को जीवित करने के लिए कहा। तो बड़े आश्चर्य के साथ वो यक्ष यानी वो सारस पक्षी बोला कि अरे आप सौतेले भाई को क्यों, आपका बलवान भाई भीम है और आपका नकुल है, आपका अर्जुन है, उसको उसको इसको क्यों नहीं आप जिंदा करते हो। तो वो बोला कि वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस बात से वास्तव में यहाँ बोगले के रूप में सारस के रूप में प्रकट हुए यज्ञ साक्षात धर्मराज थे। ये जो सारस जो पक्षी था यहाँ पर वो साक्षात धर्मराज था। इस तरह की यहाँ पर लीला है। और जिस तरह का आपने देखा कि उस सारस पक्षी ने युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर उसके सारे भाइयों को यहाँ पर जीवित किया है। आइए उस सरोवर की तरफ आपको लेके चलता हूँ मैं, जिस सरोवर पर ये पूरी घटना हुई है, पूरी लीला हुई है। आइए चलते हैं और आपको लेके चलते हैं उस सरोवर की तरफ, जिस सरोवर पर वो यक्ष यानी कि सारस पक्षी रहता था। और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं यही वो स्थान है, यही वो सरोवर है। इस सरोवर में यहाँ पर पानी पीने के लिए जब यहाँ पर सभी लोग आए हैं जल लेने के लिए, द्रौपदी को जब प्यास लगती है तो वो जल लेने के लिए जब यहाँ पर आए तो कैसे चारों भाई उस सारस के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, तो वो यहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। फिर युधिष्ठिर उस यक्ष यानी कोई सारस पक्षी के समस्त सवालों का जवाब देते हैं और उनसे प्रसन्न होकर उनके सारे भाइयों को यहाँ पर वो जिंदा करते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि वही सरोवर है जिस सरोवर में पानी पीने के लिए जब वो सारे पांडवों के भाई यहाँ पर आए हैं तो उस सारस यानी कि यक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पाए, उस कारण से यहाँ पर उन मूर्छित होकर गिर जाते हैं। द्रौपदी को प्यास लगी अज्ञातवास में, तो जल पीने के लिए यहाँ पर इस तरह का सुंदर ये जो लीला है वो इसी स्थान की है और इसको हम शालिहोत्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। और सारस और सरसा इस गांव का नाम है और सामने आप देखेंगे ये मंदिर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जहाँ पर खड़े हुए हैं वो एक बहुत ही प्यारा सुंदर मंदिर है। और उस मंदिर की तरफ मैं आपको लेके चलूँ, आप देख सकते हैं कि इसी सरोवर के पास में, जो कि आप मेरे बगल में देख सकते हैं ये सरोवर है, और इसी सरोवर के पास में ये मंदिर है। पहले मैं आपको मंदिर का दर्शन कराऊंगा और किस तरह से हम और आप कुरुक्षेत्र की इस भूमि का आनंद जो ले रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से, वो बड़ा ही अद्भुत है। और इसी कड़ी में आज हम यज्ञ और युधिष्ठिर संवाद, इतनी सुंदर महत्वपूर्ण लीला के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये एक साधारण सा मंदिर है और हम मंदिर में जब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीताराम जी का ये बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है और उसका दर्शन हम आपको कराना चाहते हैं। तो इसी मंदिर प्रांगण में आप देखेंगे कि एक तरफ कीर्तन चल रहा है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये मंदिर है। यहाँ पर आप श्री राधा रानी और ठाकुर जी का स्वरूप प्रेम रूप बिहारी जी का दर्शन कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ हनुमान जी महाराज का दर्शन कर सकते हैं। और एक दर्शन आप यहाँ देखेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पर भगवान श्री राम और उनका पूरा परिवार का दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। शालिग्राम सेवा भी बड़ी सुंदर सेवा यहाँ पर है और इस तरह की अद्भुत लीला। और ये पूरा राम मंदिर है जिसमें शालिग्राम का भी दर्शन है, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो लीला है वो बड़ी अद्भुत लीला है कि कैसे युधिष्ठिर जी और यक्ष जी का यहाँ पर संवाद हुआ है। कुछ ऐसे प्रश्न हुए हैं जिन प्रश्नों का आनंद पूरे संसार को मिलने वाला है। आइए चलते हैं यहाँ पर, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह का यहाँ पर आनंद है। तो कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये एक अद्भुत स्थान है, यहाँ की अद्भुत लीला जैसा कि आप और हम सब ने देखा है। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। प्रभु जी आपको सबसे पहले राधे राधे। राधे श्याम सीताराम। तो हमारे दर्शकों को प्रभु जी यहाँ की जो लीला है, यहाँ का जो आनंद है, उसके बारे में। जरूर जरूर, बड़ी अद्भुत, ठाकुर जी की दया कृपा से आप सब लोगों का समागम हुआ और ये बड़ा संयोग की बात है। आप इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को तक ये बात पहुँचाएंगे जन जन तक, इसलिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।
ये जो शालिहोत्र तीर्थ है कुरुक्षेत्र का अद्भुत तीर्थ है, ये धर्मेश्वर महादेव हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध सभा माम कहा पांडवा चिव किम कुरु संजया, पूरे कुरुक्षेत्र का बीच केंद्र है ये धर्मेश्वर महादेव हैं। कुरुक्षेत्र में यही है विराजमान अंदर शिवलिंग जो है। यहाँ चारों युगों का वर्णन मिलता है, द्वापर युग का ही नहीं, लोग अधिकांश 40-50% द्वापर युग के बारे में ही जानते हैं, अन्यथा यहाँ चार युग का वर्णन है। आप और भी पुराणों में इसका उल्लेख पढ़ सकते हैं। यहाँ सतयुग में जो परशुराम जी थे, जिसने सहस्रबाहु अर्जुन का वध किया था, संहार किया था, वो सहस्रबाहु अर्जुन का गढ़ यही था सहरसा गांव। बावन पुराण पढ़ेंगे, बावन पुराण में उसका पूरा उल्लेख है। यहाँ का बारना गांव है, उसका वहाँ गेट था, यहाँ एक गढ़ था, उसके यहाँ किले थे। आज भी इधर अगर खोदते हैं नीचे 25-15 फुट नीचे तो बड़ी बड़ी ईंटें इत्यादि मिलती पुराने। तो यू जो है सहस्रबाहु अर्जुन का गढ़ था, यहाँ परशुराम जी ने उसका संहार किया, ये हुआ सतयुग का था। त्रेता युग में शालिवाहन ऋषि, जो शालिवाहन पंचांग भी है, शालिवाहन ऋषि जो है अश्व के विशेषज्ञ थे, वो यहाँ शालिवाहन ऋषि यहाँ आए और इस क्षेत्र में धर्म क्षेत्र में ये जो मेन क्षेत्र है कुरुक्षेत्र का बीच का केंद्र है, नाभि जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर आकर ने तपस्या की। और ये जो कुंड है आप देख रहे हैं बगल में, ये कुंड नहीं है, एक हवन कुंड है ये। इन्होंने यहाँ पर 12,000 वर्ष तक इस पर सूंड की, हाथी की सूंड के बराबर जो है घी से आहुति दी थी 12,000 लगातार। ये इस कुंड को, हवन कुंड को जो है बाद में कुंड के रूप में बनाया गया, तो ये हवन कुंड है। तो शालिवाहन ऋषि त्रेता युग में जो है आए थे, उन्हें यह तपस्या किया है 12,000 वर्ष, और इस हवन कुंड को ऐसा हवन कुंड करने के बाद जो है इसमें जल भरा, और इसमें उनका इतना प्रभाव था, किसी को चर्म रोग आज भी बहुत से उल्लेख मिलते हैं, किसी के बच्चे न हो, चर्म रोग हो, कई भी बहुत चमत्कार इसमें होते हैं। कई बार पानी अचानक साल में 2 साल में एकदम नीला गंगा की तरह साफ हो जाता है साल में। हाँ जी, आज भी होता है, अभी दिख रहा है या नहीं है, अचानक होगा, एक दिन को हो, 2 दिन के लिए होगा, जरूर साल में 2 साल में जरूर होता है इसी तरह। तो यू फिर इस प्रकार भी यहाँ पर शालिवाहन ऋषि आए, उनने यहाँ त्रेता युग में तपस्या करके इस हवन कुंड को कुंड रूप में बनाया। द्वापर युग में उल्लेख आता है महाभारत में, कि महाभारत में जब पांडवों को वनवास काल हुआ 12 साल का, तो यहाँ पास पड़ता कमोदा गांव, कामेश्वर महादेव है, कामक के वन, उसका नाम है कामक के वन मेन। तो वहाँ का उन्होंने वहाँ रहे, जब वहाँ से अज्ञातवास शुरू होता है, यहाँ आए तो थोड़ा दूर, तो रामिक्षा से ये जो है द्रौपदी को प्यास लगती है और बोलती है कि आर्य मुझे प्यास लगी है और मुझे जल पीना है। तो यहाँ पर फिर वो बोलते हैं कि सहदेव से, नकुल सहदेव से, बेटा भाई रहता जाओ, कहीं जल दिखलाओ। ऊपर चढ़ के पेड़ पर वो देखते हैं कि यहाँ कुछ हंस, कुछ सरस पक्षी इत्यादि पक्षी उड़ रहे हैं, बोले आसपास कोई जल का है सुविधा, तो इस कारण से वह आते हैं। देखें यहाँ सरोवर है, जैसे सहदेव आते हैं तो वहाँ यक्ष बोलता है कि ठहरो, ये जल मेरा है, ये सरोवर मेरा है। यक्ष यानी सारस, 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 हाँ, उस यक्ष सारस एक की बात है, कहीं सारस पक्षी का आता है, कहीं यक्ष का आता है वर्णन। तो वो आया, उसने कहा कि आप, मेरे सरोवर मेरा है, इसका आप जल, पहले मेरे प्रश्न उत्तर दो, तो आप जल लो, चाहे पियो, चाहे ले जाओ। सीताराम तो इसी, उसने मना कर दिया कि जल में, अग्नि में, वायु में सबका समान अधिकार है। तो उसने जैसे जल लेते हैं तो पीते हैं तो तुरंत युद्ध गिर जाते हैं। इसी प्रकार से नकुल आते हैं, वो भी ऐसे ही, अर्जुन आए, वो भी इस तरह से धराशायी हो गए, भीम आए, वो भी गिर गए, अंत में युधिष्ठिर आते हैं, उन्होंने देखा कि जल का पानी तो साफ है, स्वच्छ है, किसी के शरीर पे कोई खरोच नहीं, कोई चिन्ह नहीं, घाव नहीं, जहर का कोई प्रभाव नहीं, फिर भी ये जल से कैसे कैसे चारों भाई हमारे गिर धराशायी हुए, कारण क्या है, हो ना हो कुछ इस जल में ही है।
जैसे उनने जल की ओर बढ़ा, तुरंत आवाज आई कि ठहरो तुम भी, तुम्हारे भाइयों की हालत मैंने की है, तुमको जल लेना है, पीना है या ले जाना है, तो मेरे पहले प्रश्नों का उत्तर दो, फिर आप जल ले जाओ चाहे पियो। इस प्रकार से उनने हाथ जोड़ प्रार्थना किया, प्रभु आप दर्शन दें, आप हैं कौन। तो यक्ष रूप में वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि मैं यक्ष हूँ, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर बोले आप कहो, जो मुझसे बन पड़ेगा मैं उत्तर दूंगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर से स्वयं धर्मराज ही यक्ष रूप में आए थे, उन्होंने प्रश्न उत्तर किया इत्यादि, बहुत है, लंबा तगड़ा है, वहाँ बोर्ड है, बोर्ड में लिखना है, आप पढ़ सकते हैं, महाभारत में भी है। उसको उत्तर दिया, फिर आशीर्वाद दिया कि तुम अज्ञातवास में सफल हो गए, तुम्हारे चारों भाई जीवित मिलेंगे और आपका सारे मनोकामना पूर्ण होगी। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि प्रभु आप कृपा करके आए, यक्ष जीवन दान दे नहीं सकता, कोई पक्षी जीवन दान दे नहीं सकता, आप हैं कौन, असली रूप में हमको दर्शन दें। तो वहाँ जो यक्ष था या सास पक्षी था इत्यादि, वो प्रकट होता है कि मैं धर्मराज स्वयं साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि मैं हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, अंश में तुम मेरे पुत्र हो, हम तुम एक ही हैं, परंतु मैं तुम्हारी धर्म की परीक्षा लेने आया था, तुम उसमें सफल हुए, उत्तीर्ण हुए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ इत्यादि। फिर धर्मराज जी युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हैं और फिर वहाँ से उनको मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देकर अपना अंतर्ध्यान होते हैं। आज ये कलयुग है, आज हम सब तुम लोग हैं, दर्शन कर रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, पंचामृत ले रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बाकी आप सब लोग अपने माध्यम सबको तक, जन जन तक पहुँचाएँ, बड़ी कृपा होगी। जय जय सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमको इतना सुंदर, आपने हमको ये हमारे चैनल के लिए बताया, हम भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने और हमने जाना कि कैसे महाभारत का एक बहुत ही सुंदर स्थान शालिहोत्री तीर्थ के बारे में, जो कि कुरुक्षेत्र से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शालिहोत्री तीर्थ, और ये वही सरोवर है जिस सरोवर में जो सारस पक्षी के रूप में जो यक्ष है, उसके कारण कैसे पांडव जो है युधिष्ठर के जो भाई हैं यहाँ पर मूर्छित होते हैं, और मूर्छित होने के साथ में युधिष्ठर से जब वो कहते हैं कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए तभी मैं आपके भाइयों को यहाँ पर जीवित करूँगा, तो इस तरह की लीला यहाँ पर ऐसे दिव्य स्थान पर हुई है। तो आज का हमारा ये भाव, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि कुरुक्षेत्र से शालिहोत्र तीर्थ से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।